व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, व्यक्ति जब खुद से हार जाता है तो वह दिव्यांग न होते हुए भी दिव्यांग हो जाता है, ये कहना है 2017 में यूपीएससी परीक्षा में 124वीं रैंक हासिल करने वाली प्रांजल पाटिल का, जिन्होंने आंख नहीं होने के बावजूद भी हार नहीं मानी और बन गई आईएएस ऑफिसर। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रांजल का जन्म 28 मई 1988 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम LB पाटिल और माता का नाम ज्योति पाटिल है। प्रांजल बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। प्रांजल जब 6वीं कक्षा में थी तो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे ने उसके एक आंख पर पेंसिल से प्रहार किया था, जिससे रेटिनल डिटैचमेंट के कारण उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि दूसरे आंख की रोशनी भी जा सकती है और यह दुर्भाग्य से सच हो गया। एक साल बाद प्रांजल की दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। लेकिन इतने बड़े घटना के बाद भी न प्रांजल ने हार माना न उनके पेरेंट्स ने। उनके माता पिता ने ठान लिया कि उसे आगे पढ़ाना है। इस उद्देश्य से उन्होंने प्रांजल को मुंबई के कमला मेहता स्कूल फॉर ब्लाइंड में पढ़ने भेजा। प्रांजल ने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद JNU दिल्ली से मास्टर डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रांजल ने सिविल सर्विसेज में अपनी सेवा देने की बात कही। यह बात सुनकर उनके माता पिता ने भी उनका पूरा सपोर्ट किया। प्रांजल ने साल 2016 में अपने पहले ही प्रयास में PSC की परीक्षा पास कर ली और 733वीं रैंक हासिल की थी। प्रांजल को उस समय भारतीय रेलवे लेखा सेवा में नौकरी आवंटित की गई थी, लेकिन ट्रेनिंग के समय रेलवे मंत्रालय ने उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया। वजह बताई प्रांजल का 100% नेत्रहीन होना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2017 के UPSC परीक्षा में 124वीं रैंक हासिल की और उप कलेक्टर बनकर एर्नाकुलम केरला गई। चुनौतियां तो सबके सामने होती हैं, उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी। पहला तो उनका नेत्रहीन होना, दूसरा पेपर लिखने वाले पर भरोसा करना। लेकिन उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सोचा और कर दिखाया। और कुछ लोग सब कुछ रहते हुए भी बहाना बनाकर हार मान लेते हैं। अब भी वक्त है, इनसे सीखो, जाग जाओ और अपने सपने को पूरे करो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।